वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे सामने देख सकते हो तो ये CBR बाइक आई हुई है और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है गाइस। तो इसका RPM जो है वो 2 से 3 RPM में चल जा रहा है। गाड़ी आइडलिंग कंडीशन पे भी 2 से 3 चल जा रहा है और चलाते वक्त तो और भी बढ़ जा रहा है। तो इसका पिकअप में प्रॉब्लम आ गया है गाइस। तो क्या करे क्या ना करे वही मैं आज इस वीडियो पर दिखाने वाला हूँ। कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, किस तरीके से क्या किया जाए ना किया जाए, वही सब कुछ मैं इस वीडियो पर बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो पूरी वीडियो पर बने रहे गाइस। तो आपको पहले दिखा देता हूँ चालू करके क्या होता है ना होता है। तो बैटरी भी इसका डाउन है तो धक्का लगा के मैं चालू कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो गाइस, तो 2 RPM से नीचे नहीं आ रहा है क्योंकि ये 1500 RPM में इसका आइडलिंग कंडीशन होता है। और पिकअप बढ़ा के मैं दिखाता हूँ, जब पिकअप देंगे तो या थ्रॉटल देंगे तो ये ऊपर चल जा रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या है ना है, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट से इसको क्या करना है, सबसे पहले हमें तो टैंक निकाल लेना है। थ्रॉटल बॉडी का ही प्रॉब्लम लग रहा है तो थ्रॉटल बॉडी सबसे पहले निकालेंगे, थ्रॉटल बॉडी देखेंगे क्या हालत है ना है। तो बन रही है पूरी वीडियो पे गाइज। दोस्तों यहाँ देख सकते हो तो बाइक हमने खोल दिया है, टैंकी इसका खोल दिया है। तो कुछ इस तरीके से CBR में आप लोग भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे एक रस्सी बांध सकते हो, तो हमने एक तार बांध दिया है, गैल्वनाइज तार। तो अब मैं प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ। तो प्रॉब्लम इसका ट्यूनिंग का है और यहाँ पे है गाइस है थ्रॉटल बॉडी। तो थ्रॉटल बॉडी का ही पूरा काम है गाइस। तो अभी दिखाते हैं आप लोगों को क्या है ना है। तो अंदर देख सकते हो तो मैंने अभी कपलिंग खोला है, तो ये देख सकते हो ये है स्टेपर मोटर और कपलिंग। तो अंदर देख सकते हो ये है स्टेपर मोटर। तो अभी ये जो सेंसर देख रहा है आप लोगों को, तो इसे हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे वही मैं अभी देख रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, थ्रॉटल बॉडी को निकाल लेते हैं बाहर। निकालने के बाद दिखाते हैं आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है ना है, ठीक है। तो ज़्यादातर इसी का ही प्रॉब्लम आता है, अगर RPM का समस्या आता होगा तो। सिर्फ CBR में नहीं गाइस, बल्कि हर एक बाइक में, KTM हो या फिर कोई भी फ्यूल इंजेक्टर बाइक, R15, सब में ये स्टेपर मोटर आता है। तो यही अगर प्रॉब्लम करता है तो ही आपका ट्यूनिंग में प्रॉब्लम दिखाई देता है। यहाँ देख सकते हो गाइस, तो हमने सब कुछ खोल दिया है, फ्यूल इंजेक्टर खोल दिया है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर खोल दिया है, TP सेंसर जिसको हम लोग कहते हैं, और स्टेपर मोटर का भी जैक हमने खोल दिया है। तो अभी थ्रॉटल बॉडी को कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देख सकते हो तो मेरे हाथ में है थ्रॉटल बॉडी गाइस। तो इसमें क्या क्या होता है ना होता है, क्या क्या चीज़ काम आता है और क्या क्या हमें देखना है, रिपेयर कर सकते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अंदर दिखा देते हैं। तो ये जो होल आप लोग देख सकते हो, ये आ गया फ्यूल इंजेक्टर का। तो फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे है, मैंने खोल के रखा है यहाँ पे, तो देख सकते हो। तो टेस्टिंग के लिए अभी हमने यहाँ पे लगा के रखे हैं, तो फ्यूल इंजेक्टर की थोड़ी टेस्टिंग कर लेंगे। और देख सकते हो तो जो हमारा प्रॉब्लम है, RPM का प्रॉब्लम है, वो ये सेंसर है, इसको कहते हैं स्टेपर मोटर। तो इसके अंदर छोटा सा एक मोटर रहता है और रिले रहता है गाइज। तो देख सकते हो, तो CBR 150 का ये थ्रॉटल बॉडी, इसका अराउंड प्राइस कितने का आता है भाई? 5-6 हज़ार का ये थ्रॉटल बॉडी आता है। लेकिन हमें इसे इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसे रिपेयर भी कर सकते हैं, वो भी घर पे। तो देख सकते हो गाइस क्या क्या करना है ना करना है, मैं आपको बताता हूँ। बने रहिए पूरी वीडियो पे। और अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्त वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो, तो ये मेरे पास है स्पेशल टूल, तो इसको स्टार एलंकी कहते हैं। और यहाँ पर जो थ्रॉटल बॉडी पर जितना भी हमारा स्क्रू है वगैरह है, ये देख सकते हो, तो इसमें स्पेशल टूल इस्तेमाल किया गया है, तो इसीलिए हमें स्पेशल रेंच लेके आना होगा। तो ये हमने लेके आया है स्टार एलंकी। तो अंदर देख सकते हो, अंदर इसका छेदा है। तो कुछ इस तरीके से हमें सारा जो सेंसर है वो सब हमें खोल लेना है गाइस। और खोलने के बाद हो सके तो बदल दो, नहीं तो वॉशिंग करके भी चला सकते हो आप लोग। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ ये थ्रॉटल बॉडी क्लीनर। तो देख सकते हो, तभी इसको अच्छी तरह से एकदम वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है ना आता है। तो उसके बाद मैं बाइक को फिटिंग करूंगा पूरा, सब कुछ फिटिंग करने के बाद मैं आपको चला के दिखाऊंगा क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। तो बन रही है पूरी वीडियो पे गाइस। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो, तो फाइनली हमने सब कुछ फिट कर दिया है और बाइक को 2-4 बार चाबी को ऑन करके रिसेट कर लेंगे गाइस। तो यहाँ देख सकते हो, और टैंकी को भी हम नीचे कर देंगे क्योंकि तेल इसमें कम है। और देख सकते हो, तो बैटरी वैटरी सब नया हमने डाल दिया है। तो अभी देखते हैं क्या होता है ना होता है। यहाँ देख सकते हो गाइस, 2 RPM अभी भी है। थोड़ा इसको गर्म करने दीजिए। नाप छे
पहले से थोड़ा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ है, फिर भी अभी इसको आइडलिंग टेम्परेचर में आने दीजिए, फिर पता चलेगा, क्योंकि बाइक सुबह से खड़ी है, ठंडी है बाइक। तो यहाँ देख सकते हो अभी नॉर्मल में आने को ही है और थोड़ा सा बाकी है, तो देखते हैं और क्या क्या कमी है इस बाइक में, तो वो सब कुछ हम पूरा कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं।